तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का व्लॉग सैर व तफरी के लिए स्पेशल होने वाला है। हम जा रहे हैं DI खान, और उससे पहले एक काम करना है छोटा सा। क्या काम है? वो काम ये है कि मोटरसाइकिल हमारा पंचर हो गया है, तो मैंने अभी चेक किया है कि मोटरसाइकिल पंचर खड़ा था, तो पंचर लगवाते हैं फिर चलते हैं दोस्त को साथ लेकर DI खान। ये देखें पंचर है, तो अब चलते हैं इसको पंचर लगवाते हैं। व्लॉग हमारा काफ़ी देर से शुरू हो गया था, बहुत ही मज़ेदार सीन्स मुझसे मिस हो गए, लेकिन अब DI खान से कुछ ही दूरी पर हैं। एक जगह पर रुके हैं रास्ते पर, तो यहाँ का थोड़ा सा व्यू कराते हैं, थोड़े बहुत सीन हैं। इस साइड पर है रोड और सामने है दरिया सिंह का किनारा। पुरानी है बहुत, या न्यू भी है जैसी भी है, लेकिन इसके इतराव में कांटे धर दिए गए हैं। अंदर इस जगह को सरेके में हम दरिया सिंह का ताल कहते हैं। गर्मियों में यहाँ बहुत इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट होती है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं और पानी कम है, और साथ ही पानी में बहुत ही अजीब किस्म की जड़ी बूटियां उगी हुई हैं। गर्मियों में पानी ज़्यादा और ये ना होने के बराबर होती हैं, ये से मुराद जड़ी बूटियां। लेकिन ये पार्क अभी बंद है, फिर भी लोग खलिस्तान पास है। बड़ी तड़की है पुल, जिस पर अब हम मौजूद हैं ये DI खान ब्रिज है। भक्कर से DI खान जाते हुए ये पुल रास्ते पर पड़ता है, और ये काफ़ी लंबाई पर मुहित है। ये काफ़ी पुराना पुल है, और सुबह पंजाब का अख्तिताम भी इसी पुल के साथ ही हो जाता है, और इसके नीचे से दरिया सिंध बहता है। वेलकम टू DI खान। गड्डी के पिछू लिखा होता है कोई बदखा छी वदियां जंडण दा माहिर से ओ छी दियां छी वदियां। बड़ा शेर है। पता तो मैंने कैसे की बात कर से बड़ा गोश्त दिया। अच्छा वड़ा गोश्त बिया
मुर्गा सब्जी दाल चना छोले जे दिखावणी तदा जाने इको सुनाणा है वेजले दरिया तक जाते सनाल के ऊपर बात कर सकता है टुरा टुरा जड़ा दरिया तक गया था याद आंदे दा आसा आसा मैं क्या आसा खाऊंगा नहीं सियाणा तू है मरदाई काश के लिहाज से बदतर काफ़ी मशहूर है। मैंने सोचा थोड़े से गन्ने की टालियों के सीख लिए जो कि रवा दवा है मील की तरफ।